वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाए हैं पोटैटो चीज़ स्टिक्स बनाई थी, उससे हमने बन कबाब बनाए जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार की स्टाइल में बनाए जैसे बाज़ार से मिलते हैं, और टेस्ट भी वैसे ही आया है क्योंकि हमने इसमें डाल दी है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी से जो फ्लेवर आया है बहुत ही ज़बरदस्त आया है। चलें फिर अपनी रेसिपी को हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम तैयार करेंगे इतने मज़ेदार। और ये रेसिपी झटपट बनने वाली है। कबाब आपके पास रखे हो तो बन कबाब बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले तो हमने चटनी भी तैयार कर ली थी, कुकम्बर काट ली है, प्याज काट ली है हमने, और टमाटोज, इनसे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। कैबेज, क्रीम और मेयोनीज को हमने लेकर मिक्स कर लिया है साथ ही, और इसमें डाल देंगे हल्की सी ब्लैक पेपर, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, फीके नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। और ग्रीन चटनी बनाइए दही के साथ, और बन कबाब में बाहर से यही वाली चटनी आती है। अब हम अंडे वाले ये बनाएंगे, तो 3 अंडे ले रही हूँ मैं, जिनको अच्छा सा हम फेंटेंगे और इसको कर लेंगे फ्राई बन में लगाने के लिए। जितना अच्छा बैठेंगे आप उतने अच्छे ये इससे बनेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें बन में लगाने हैं। कोई चमचा नहीं चलाएंगे क्योंकि बड़े बड़े, हल्का सा कर देंगे स्प्रिकल ब्लैक पेपर ताकि फ्लेवर हमारा इक्वल रहे, फीके नहीं लगे और मज़ेदार बने स्पाइसी से तो मज़े के लगेंगे। लो फ्लेम पर मैंने बनाए हैं, बन की कटिंग कर लेंगे। मैंने लंबे वाले बन इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारे पास चीज स्टिक है, ये पोटैटो चीज स्टिक। ये लगा लेंगे इस बैटर को, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो चीज आपको ज्यादा पसंद हो वो आप ज्यादा कर लें। सभी इस तरह तैयार कर लेंगे जैसे चार हमने तैयार कर लिए,
आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतने तैयार कर सकते हैं। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। कटिंग देखें कितनी आराम से हो रही है, क्योंकि टी स्टिक बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छी बनी थी।